हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब दोस्तों। आज हम बात करेंगे एमलोडोपिन टेबलेट के बारे में कि एमलोडोपिन टेबलेट का यूज़ कब करना चाहिए, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट हैं और इसका कौन यूज़ कर सकता है, कौन यूज़ नहीं कर सकता है, इसका यूज़ कब किया जाता है, मतलब इसकी जो पूरी जानकारी है मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तो दोस्तों, मैं हूँ आरिफ खान और आप देख रहे हैं आरिफ फार्मा क्लिनिक। जिन दोस्तों ने यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी हर एक वीडियो आप तक पहुँच जाए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, एमलोडोपिन टेबलेट एक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होती है, यानी कि हमारी बॉडी में तरह तरह के चैनल्स हैं जैसे बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। तो ऐसी ये एमलोडोपिन जो होती है बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर को कम करने का काम करती है, डाउन करने का काम करती है। फ्रेंड्स, नॉर्मली हमारा जो बीपी की वैल्यू होती है वो होती है 120/80 mmHg। तो दोस्तों, अगर हमारा बीपी कभी हाई होता है 130, 140, 150, तो तब इसका यूज किया जाता है यानी कि बीपी को कम करने में। फ्रेंड्स, जब हम इस टेबलेट को खा लेते हैं तो टेबलेट जो हमारे बॉडी में कैल्शियम चैनल को ब्लॉक कर देती है, ब्लॉक करने का काम करती है। फ्रेंड्स, होता क्या है, जब बीपी हाई होता है जो हमारी वेसल्स होती हैं, जैसे मैं आर्टरी में बोल सकता हूँ नसें, तो जो उनका डायामीटर होता है, जैसे ये तो इसका जो डायामीटर है इस तरीके का, ये आप देख रहे हो, तो ये जैसे डायामीटर है वो कम हो जाता है। तो जब ब्लड का फ्लो जो होता है वो बहुत तेज़ी से हो जाता है, तो वेसल्स को रिलैक्स करने का काम करती है एमलोडोपिन। जब एमलोडोपिन खा लेते हैं तो वेसल्स रिलैक्स हो जाती है और उसका जो डायामीटर होता है उसका साइज बढ़ जाता है और बीपी नॉर्मल हो जाता है। तो दोस्तों, अब मैं बात करूँगा इसके साइड इफ़ेक्ट की। अगर इस टेबलेट को खा लेते हैं तो इसके क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं। फ्रेंड्स, इसके खाने के बाद नॉर्मली कभी कभी क्या होता है, चक्कर आते हैं, सर में दर्द होने लगता है और जो हार्ट बीट है वो बढ़ जाती है और यहाँ तक कि वोमिटिंग भी किसी किसी पेशेंट को होती है, तो इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ, बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के इस मेडिसिन को ना लें, मतलब ऐसा नहीं कि आपका बीपी हाई हुआ और आपने खा ली, पहले इसको डायग्नोस करना होगा कि बीपी आपका हाई क्यों हो रहा है। ऐसा नहीं कि मतलब आपका बीपी हाई हो और आपने टेबलेट खा ली। कभी कभी कई कारणों से जो है बीपी हाई होता है हमारा, चोट लगने पर, कभी कभी एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तब बीपी हाई होता है। ये क्या वजह है वो डॉक्टर डायग्नोस करके ही आपको इसको प्रिस्क्राइब करेगा, तब आपको ये लेनी है। ऐसा नहीं है आपका बीपी हाई हुआ और आपने खा ली, ऐसा नहीं करना है। तो पहले आपको डॉक्टर के पास जाना है, अगर वो आपको बोलता है तब आपको टेबलेट लेनी है, वरना नहीं लेनी है। तो दोस्तों, ये थी इसकी पूरी जानकारी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। अगर कोई मुझसे छूट गया है सवाल तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपका इसका आंसर दूंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।